वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परमात्मा की अरदास है कि तुम हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, चढ़दियां कलां दे विच रहो। जी मंडी का गेड़ा ला के आया सीगा, देखियो तुसीं पिछली वीडियो किवें कणक वड हुई अद्ध बचदी जी, फिर मंडी का होया सारा कुछ। जदों मंडी से वापस आ रहा तो इन्ना कु मीह लग गया सीगा पैण भी, जिहड़ा उत्थे छाण जिहा बच के आया सीगा वह सारा ट्राले दे विचे भेजी गया सीगा। तो उसके बाद अमृतसर में चले गए थे, बिक्की ने बेचारे ने पिछे से औखा सौखा तार के हवा जी लवाई भी सी, पर हल फिर भी काफ़ी ज़्यादा हल सुकना बाकी है। हम लगता हूँ भी सह जहा चढ़िया वा, जोर जहा मार के हटे हैं, तो बाकी लगे जी हूँ बछाऊ के बाहर नूं और खिंच ले गए थे अभी बाहर। तो आना ये पे पता मीह दे पर भी साइड गिली उपरली साइड सुकी है, कणक तो बहुत साफ थी खिंच ला वह फिर आए करके ना झाड़ू वाली है जी मूहरे कट्ठी कर दें झाड़ू वाले वो दूआ जो थले निकल के आया वा वो थले दूसरे पास। सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी सारे आह फिर ए शूट करे कि नहीं चल नड़फड़ तो फिर उसके बाद कल शाम जे कल दोपहर जे जो दो कीले रह गए थे वो भी बिकी कढ़ा लिया सीगा, तो इन्हों मंडी लेके जावे पुछ के उन्होंने। उस तो बाद हर सूए पर कणक बढ़ी पई है, वह फोल फलाई करनी है जी सद्या एक भैया देखते जाके उ क्या बनता आ पई है। हम इन्हें सुखाने इतने फोल फाल के मरे जाकर टुटे वाली हाँ हूँ तो मैं तरपाल पुन फिर अंदर बिछा लेनी तरपाल मैं तो कहना वो धुप धुप धोरी रहनी ये भी गल हैगी है। आए चाहे तो बिकी ठीक है कुछ आह हाँ परली गिली है मुस्क जा भी लग गया मारन मिनत लगता गिली तो इतने भी हैगी हैं मीह पिया बहुत बेहसाबा मीह पिया भाई इको लहत कल वाला मीह किकना पे कल तो अभी जानी हूँ उस समय अं तरन तारण के नेड़े तेड़े से तरन तारण को जून लगिया वह गिरन ए एक बार पर सा गड्डी चली गई बस जद थोड़ी जी भी मैं कहना जो एक एरिए खड़ते तो 15-20 मिनट पई होनी उत्थे अभी तो तुरी गए नाल दी नाल। मैं कहना आ ज़्यादा हो थोड़ी जी संघनी पर बार बार पैर मारना पैना है कणक तो पहला डंगर की कम होनी है पर सका के बिच तो क्ढनी कणक कणक पैनी ना जी। कुंडी जी करके मुड़ा जी सारी कणक कणक तो सोहनी मुट्टी है सरों तो खेड़ा छड़ाया था थोड़ा जे कम ना हो जिमीदार कहते एक बार बीज के कणक न मुड़ के पक्की वढ़ लो पैसे लेके जेब च पा दो फिर जिमीदारी छोड़ो जिमीदार जी औकड़ा आदि ये औकड़ा झेलना जो इन्हों से कम करना ता जिमीदार कहते ता ही तो इन्हें कहें भी जून भाई पूरी है जटा की ना छद कद रोज नमी कर बेहदा होंगे माड़ा जख जब रब मी पाना पर कुछ ऐसी कम करना खड़ा वैसे चाहिए ये जरूरी है यह ना मेहनत ना सेहत ठीक बंदा दिमाग का दिमागी तौर पर कम पर लग्या रहा वेला दिमाग चेता घर एवं उड़ो कहावत बनाई सियाने नहीं हूँ बिक्रम सिंह ने दो प्रसादे छक के बैड पर फोन ला देना पता लाने पापा जी भी मैं लगता कहें सो पर पुछ ला कहते कहते ठीक है देख दें मैं जाके पुछता उन्होंने और लोहे की पत्ती गिरी भी आ मशीन वाले का ब्लेड टुटा एक नहीं नुकसान होंगे वो तो अपना काम करके निकल गए। वाहेगुरु सतनाम करी भला हूँ सूरज देवता एक नहीं चमकदा रहे। लो जी तो मिलो पापा जी नीकाल जी तुम क्या करने आना जी हूँ गिला तो है उधर देखने बढ़ने हुए अच्छा जी बाकी मीह तो बहुत पैने इतनी
फसल जी चक होगी चक जी रही तुम आप संभाला करो हाँ ये तो कह देता कहना मखो खड़ा छुटे कहना उसे अपना सरों से सरों से कहना हम हाथ है पिछड़ गए छिड़ने से हम आप थोड़ी मेहनत करो भाई फोर फलाइया करके चकनी है गौर करनी पड़ी रब ने तो उसे खोलनी होना हो आप करनी पड़ी हाँ यही गल है भैया जो मशीन बेचारे वेले थे उन्होंने मैं कहा था भी आ जाओ मशीन खड़ी है तीन दिन हो गए चार दिन एक नहीं बैठे प्रशादा छक दे सवेरे मैं आज उन्होंने काम ला दना अज ना कणक जी फोल दूंगा जी कणक अपनी बड़ी पी है गड्डी ले जानी पैनी हूँ और क्या करना पापा जी तुरके चलूंगे नहीं पापा जी ने जाइट को जाके कद्दी कद्दी कणक ने उन्होंने फोल दली दिया आपे साइकिल भी बेचारा खड़ा पापा जी का उधर का कपड़ा भी नहीं मारे अस तो फिर चल हवा घट चलो हूँ हम जिदन तुम चलाओगे उदन भरे हो पापा जी ने जी देसी नुक तो अपने को रख लिया कई बार असं हम बाहर अंदर चल जाते ना तो उपर बैल बजती है जी उपर जाके कोठे पर बैल बजन लग जाती है फिर जद पापा जी की डिमांड पूरी हो जाती भी कहते बजी है बैल हूँ संदीप ने तो छेती कह देना उपर से हाँ जी पापा जी पर एक और लिया ना इन्होंने संदीप ने रात गुड्डी जी लिया रीत नी भी यह जी वह बैल है वह भी एक ने टोनो नूण जी करी जी हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਤੀ ਦੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਟਲਾ ਅੱਛਾ 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 ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਚਾਹ ਪਈ ਆ ਬਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਸੇਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬੀਲ ਵਾਲਾ ਰਖਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਸਕੰਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਏ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਦਣ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਮੜਾ ਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫੜ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਈ ਉੱਧਰ ਮਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸੂ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਜੀ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਢੋਲਣ ਮੱਝ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੀ ਬਾਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਕਹ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੀਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਘਟੀਆ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਫੀਡ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਫੀਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਫੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 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 ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੋ ਜੀ ਬੂਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਥਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁਣ 3-4 ਮੀਂਹ ਪੈ ਲਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਥੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੜ ਜਾ ਨਾ ਫੁਰ ਫੁਰ ਜੀ ਫੁਲਾਈ ਫੋਲੀ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾਲ
डेढ़ पौने दो किले है जी ये सारी हुण थल थल करनी पैनी है। अच्छे से ना थोड़ा हिला दिया करो उसको है ना। हाँ हाँ ऐसे थोड़ा हिलाना है ऐसे भी हवा बढ़ जाए बीच में। हाँ हवा भी जाएगा बीच में से घुस जाएगा। चाय पी लो फिर। टाइम बाकी कितना हो गया बना? टाइम हो गया एक मिनट 9:15 हो गए। ठीक है आपको 10:30-11 बजे रोटी ले आने क्या पहले चाहिए? एक बार ले आ देंगे आपको है ना। फिर अभी समझ लो भी वो बज गया 9:15 हो गया होया। ठीक है ना 10:30 ले आ दें फिर। 10:30-11 बजे के बीच बीच आपको ला देंगे रोटी। ठीक है ना अब अच्छे से कर देना। तो कभी एक तो ऐसी बात है ना इसमें अभी शाम है ना दिक्कत ये भी है। चलो देखते हैं क्या बनता है अभी। जिथे जिथे थोड़े जे ज़्यादा मोटा है ना वहाँ पे बताएगा सरदार आपको क्या करना है वहाँ पे। हाँ ऐसे खिलारना है थोड़ा सा साथ में। ठीक है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं। हाँ ऐसे हवा हवा घूम जब हवा घूम जाएगी जल्दी हो जाएगा काम है ना। वो धूप अपना काम करेगी हवा अपना काम करेगी क्योंकि धुप तो ऐ एरिए तो हैगी है विकी धुप वो बचा लेते धुप भी नहीं पानी इतना हवा नहीं कम करना ता माड़ा मोटा होना काम। उल्टा कर दिया करो उल्टा उसको। हाँ ऐसे ऐसे उल्टाना है ये देखो उल्टाता है ना सरदार बिकी सरदार साथ में इसको उल्टा देना है फिर थोड़ा जा खिलार देना है। ये तो चौल भी खाते भी गल ठीक है। चलो मालक ने जो हूँ कहा है तो हूँ जी मेहनत है साड़ी पाई हूँ तो करनी पैनी है। पहला दिल करी जाता भी लेबर नहीं मिली लेबर नहीं मिली हूँ आया तो भी दो दिन होर ना मिलती रही है। बस जो मालिक को मंजूर है ताही है ना जो मालिक को मंजूर है। पहले बोलते थे काटने वाली लेबर नहीं मिलती। ठीक है ना अभी सोचते अगर दो दिन और ना मिलती तो अब भी ठीक था। भगवान करता तो ठीक है हम ही ज़्यादा थोड़ी थोड़ी वो करते हैं भाई ऐसा नहीं ऐसा करेंगे ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। फड़ी तो बिकी बथेरी मोटी है यार। चूहे तो फिर जो कम करना करना ही करना है ओदी अपनी ड्यूटी है असी अपनी नवाउनी है ड्यूटी हुण कणक दी नबेड़ के फिर इहनू लगना पैणा हो। पहला कदे पता लग्गिया वी कद बीज ते इह कद होगे पापा जी करी जांदे ते कम्म है सारा ही कदे आपे अड़ाड़ू के बस लोट कर लैणा उहनां ने बस बूटा पट के देख लैणा उहनां कोल थीले चलदे आ वी कोई वी देख लो फली क्या मोटी कच्ची पक्की जी। हाँ क्या ट्रैक्टर जिहा पाड़िया पर सदाई ने उदन कढ़न आए ते पट्टी हरा भी जे रोटियां पकाउणियां पक भी सकदियां इहदियां पकाउणियां नहीं हैगियां हुण सुंडियां ते टट्टियां आ गईयां ना। पर हां राजू भाई ने क्या करिया ट्रैक्टर गला पानी कहन लाता है हुण तां मीह पै के हटिया अच्छा जिहड़ा बाजरा हो चन्नी न्यूट्री दूसरा न्यूट्री दूसरा एक हुंदा। हाँ ठीक है 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 हाँ पानी पिया वा जनरेटर कहते लाया वा भाई ने पक गई चलो जी ठीक है जी मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो परमात्मा सारे चढ़ती कला च रखे।